उठाओ, तो बहुत चोटें लगी है, लेके जाना पड़ेगा। आदित्य, मुझे मेरे डॉक्टर की जरूरत है, उठो। आदित्य, आदित्य हिम्मत मत हारो, आदित्य आदित्य उठ जाओ, तुम उठिए, मैं तुम्हें उठाओ, उठो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें नहीं उठा सकती? उठा सकती हूँ मैं, मम्मा जी ने ना बहुत किशमिश बादाम खिलाए, बहुत स्टैमिना है, उठा दूंगी। आदित्य आदित्य, तुमने कहा था तुम बदल गए, तुमने कहा था तुमको भी मैं साइड नहीं छोड़ोगे, फर्स्ट प्रॉमिस ही तोड़ दिया, लाइक द सेम ओल्ड आदित्य। उठो आदित्य, उठो। मैं किसको बुलाती हूँ वॉकी-टॉकी से? डेल्टा टू चार्ली कमन, ये आदित्य और जस्सी का पता क्यों नहीं चल रहा? सुनो, जोगी और रिया ऑलरेडी हमारे पास है, तो इन दोनों का पकड़े जाना बहुत जरूरी है, समझे? आदित्य और जस्सी। मैं तो कभी पकड़ लिया, तुम्हें तो रोकते क्यों नहीं है? ये क्या हो रहा है? ध्यान से आवाज सुन। कमिंग डेल्टा टू चालीस, रिपोर्ट टू बेस इमीडिएटली। बेस वापस पहुंचो। 10 मिनट का वक्त दिया जाता है तुम्हें, अगर 10 मिनट में नहीं पहुंचे तो तुम्हारे लिए एक सर्च पार्टी भेज दूंगा मैं। याद रहे 10 मिनट जो शुरू होते हैं। कंपटीशन में भाग लेना है ना, तो बात बात से पीछे मत भागा कर, पानी से डर लगता है मत कर स्विमिंग, भाग जा। प्रसाद है सर, और पहले आपके लिए, क्योंकि आप मेरे गुरु हो ना, और मम्मा जी कहती है कि गुरु भगवान समान होते हैं। ये अगला राउंड है ना, ये सीधी सादी जस्ती बन के जीत के दिखा, ये होवे मारा प्रूफ के थारे अंदर आज भी है ना ये सीधी सादी जस्ती। तो इन दोनों का पकड़े जाना बहुत जरूरी है, समझे? आदित्य और जस्सी। सुमेध ही मिले हुए हैं। हाय एवरीवन, मैं राज को शक हुआ ना, समझ लो ये आंसू ना, तुम रिया के मरने के लिए बाहर हो। मर गई तुम्हारी रिया। क्या हुआ? All well? Yeah, everything's okay. क्या हुआ सिमरन, तुम रो क्यों रही हो? वो रिया की तस्वीर देखकर ना मैं थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी। I'm missing रिया राज, बट मोना ने मुझसे कहा कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, रिया जहाँ कहीं भी है वो सेफ है, सिक्योर है ना मोना? हाँ निकी, बस तू अपने आप को संभाल, रिया की फिक्र बिल्कुल छोड़ दे। अच्छा अच्छा सो, अच्छा अच्छा होगा। ये क्या सिमरन, ये खून कैसे निकल रहा है? कैसे कैसे हो गया ये? अरे ये कुछ नहीं, वो रिया की फोटो गिर गई थी ना, उसकी कांच लग गई, पर हम ओके। अब रिया की याद में अपने आप को इतना भी मत खो के मतलब चोट पहुंचाना शुरू कर दो अपने आप। काम कुछ लगा देते। माजरा की है सुरेंद्र जी। कुलविंदर जी देखा नहीं क्या होया है? निक्की ने फोटो दिखाई मोना को, मोना ने की कितना फोटो फेंक देता, इधर मतलब सब में रिया का कनेक्शन है, और शायद वो डॉक्टर साहब को बता नहीं सकती, तभी तो डॉक्टर साहब के आते उसने मूड ही चेंज कर लेता। तो देखिया मैं
है ना? ये देखना दिखाना बहुत हुआ, अब तो फेस टू फेस बात करनी होगी निक्की ना, उसको बाहर लाना होगा। गुरबंदर जी, अगर रिया खतरे में है तो मतलब हमारे जस्सी और चुप भी तो सेफ नहीं ना। रियल है, ये सब असली गुंडे हो क्या तुम लोग? अच्छा चलो पवन, अगर मैं मान भी लूं ये सब असली गुंडे हैं, हम बच्चे अकेले जंगल में, सीसीटीवी सर्वेलेंस के अंडर है, ओ यार सेटिंग तो पूरी फिट बैठी है। सुमेध सर, पर कौन सी घटिया नॉवल लेके घूम रही है अपनी बैकपैक में? है हंटर मैडम जी और देसी गुंडे हैं, उठा के फेंक दे अपनी नॉवल, पागल। मैं तो ऐसे टाइम पास कर रहा हूँ जी, बोरिंग माहौल है कि नहीं? मैं क्या कहता हूँ कि माहौल थोड़ा बनाने के लिए ना वो वाला गेम खेलते हैं, खुशबूस खुशबूस। हाँ वो गेम होता है ना जिसमें मैं तुम्हारे कान में कुछ कहूंगा, तुम ध्यान से सुनोगी और फिर तुम वो बात किसी और को बताओगी, फिर कोई और किसी और को बताएगा। है चाइनीज विस्पर। करेक्ट, चाइनीज विस्पर। तो चलो मैं तुमको एक बात बताता हूँ, ध्यान से सुनना और फिर तुम सरजी को कह देना, हैं? चलो आओ खेलते हैं। No, I'm not in a mood. Let me think. Contestant आए तो ऐसी आवाज क्यों आई? अगर हम दोनों टीम में हैं, हमारे हाथ क्यों बंधे हुए हैं? ओए यार छोड़ो ना ये सब बातें, मैं कह रहा हूँ ना गेम खेलो। नहीं, मैं कह रहा हूँ गेम खेलो। मतलब तब तक टाइम नहीं ना पास होगा जी, है कि नहीं? चलो ना गेम खेलते हैं, हैं? आ जाओ, तुम्हारे कान में मैं कहता हूँ, आओ। रिया मेरी बात ध्यान से सुनो, जो किडनैपिंग है ना ये नकली नहीं असली है, और ये गुंडे भी असली है। हाँ कब से बताने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन तू सुन ही नहीं रही हो, लेकिन एक बात याद रखना, ये नाटक है ना सिर्फ हमको ही पता है, इन लोगों को नहीं पता कि हमें सच्चाई पता है। तो जब तक नाटक चल रहा है नाटक ही चलने दो। इतना स्पीड में बोलेगा तो कैसे समझेगा, है ना? थोड़ा आराम से बोल ताकि मैं इनको भी समझा सकूं, है ना? करेक्ट, पॉइंट तो है लड़की की बात। आ जाओ मैं बोलता हूँ, इधर आओ। तो जो मैंने कहा ना वही सच्चाई है, लेकिन एक बात याद रखना, चाहे जो भी हो जाए मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा, जो भी था प्रॉमिस। हाँ अब सब क्लियरली समझ गया है। सुमेध सर वो तो मेरे गुरु है, गुरु कैसे दुश्मन बन सकता है? नहीं पापा जी, सुमेध से ऐसा नहीं कर सकते ना। धोखा अक्सर अपने देते हैं, दुश्मनों से तो हम एक्सपेक्ट ही करते हैं, लेकिन जब अपने कुछ ऐसा करते हैं ना तो बात दिल पे लगती है। ये बहुत अनबिलीवेबल है बट वी हैव टू डील विद इट। जैसी डांटना चिल्लाना सब झूठ था क्या? शायद इसीलिए स्टूडेंट ऑफ द ईयर का ये आखिरी राउंड इतना टफ होना था और सबको जिंदगी भर का एक लेसन दे गया। It will change us all. It'll bring us all together. लेकिन हम सब की आखिरी होप तुम ही हो। मैं? रिया उनके कब्जे में है। जो कि भी उन्हें बचाने गया था, लेकिन वापस नहीं आया। अब जस्सी, तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। तुम्हें कुछ मैं कैसे सुमेध से कह जा सकती हूँ? सबसे पहले तो उसे सर मत कहो,
वो हमारे लिए अब सिर्फ सुमेध है, एक एनिमी है और कुछ नहीं। और ये मत कहना कि तुम अकेली कुछ नहीं कर सकती। मुझे और अंकिता को तुमने अकेले हराया है हमेशा। Come on, Jassi, you can do it. इस बार किसी अपने पर भरोसा मत कर, एक एनिमी पर भरोसा कर, एक दुश्मन पर भरोसा कर जैसे आदित्य कपूर पर भरोसा कर। मैं हमेशा तुम्हारे अगेंस्ट रहा हूं, तुम्हारा एनिमी रहा हूं जैसे। नाउ आई नो यू कैन डू इट जैसे, यू हैव इट इन यू। अगर हम समय से कोई जीत सकता है स्टूडेंट ऑफ द ईयर तो वो सिर्फ तुम हो। बस इस बार कोई गेम जीत कर नहीं, रियल लाइफ सिचुएशन जीत कर। गो जैसे, गो जैसे, यू कैन डू इट जैसे, गो, जाओ जाओ जैसे, अपनी मम्मा जी के लिए, अपने पापा जी के लिए, बन के दिखाओ स्टूडेंट ऑफ द ईयर जैसे। कम ऑन जैसे, अपने वीरे के लिए जा जैसे। की करोगे सुरेंद्र जी? हाँ, कांस्टेबल ने अंदर तो कुछ नहीं देना नहीं। हाँ, आपा कंप्लेंट की थी तो उल्टा शक अपने ऊपर आ जाना। एक गल दसो, ये वाकई में इस तरह की कोई गल है कि सिमरन भैन जी आपा नूं दस नहीं सकती? हाँ, कोई है गड़बड़? तो तमाशा करने से तो कुछ नहीं होना ना। हाँ, बात में यार बिगड़ ही जा रहा है। हाँ, सही कह रहे हो आप। ऊपर से कैमरे शैमरे मिले, माइक शेक मिले उनकी तरफ से, मतलब 24 घंटे कोई नजर रख रहा होगा ना इनकी तरफ से। पंगा ही हो गया, पर कुछ ना कुछ करके तो लेकिन हाल बात करनी पड़ेगी ना। और किस सुरंग खोद के जाओगे? सुरंग तो चूहे खोद कर जाती कुलविंदर जी, इस गर्मी में तो इंसानों वाली हरकत से काम बन जाना। ये मतलब उठो, आओ कितने कितने आओ ना। समझ सकती हूँ, किचन बहुत ट्रिकी है। एक तरफ बेटी की जान और दूसरी तरफ जाने माने मिनिस्टर की जान। टेंशन तो वाजिब है, लेकिन सोच लो क्योंकि डिसीजन तो आपको लेना है। और जल्दी सोचना क्योंकि वक्त बहुत कम है। कहाँ जा रही हूँ? बाथरूम जा सकती हूँ श्योर, लेकिन मेरी निगरानी के बिना नहीं। Let me check. अरे ये एसी को क्या हो गया? लगता है एसी शॉर्ट हो गया है, बाहर जाकर चेक करना पड़ेगा। हाँ जा रही हूँ, जल्दी जाओ वरना आग लग जाएगी। जाओ। हाँ, कोई स्मार्टनेस मत दिखा, जाओ बाहर जल्दी जाकर चेक करो।
सारे कैमरे चेक करो, कोई मूवमेंट तो नहीं हुई है। क्या कर रही है? तो तुम दस महीनों की चल रहा है, है? देखा मैंने, तुम मेरे को लाल कलर का सिग्नल देने आ रही थी ना, फिर देते देते रुक गई। निकी, अरे कोई अपने घर में इतना डरा डरा सा रहता है क्या? की चल रहा है निकी, दस दे मैंने, किसके सामने तू झुक रही है इतना, किसके सामने रो रही है? की हो रहा है चल, ना दस दे मैंने, छती कर छती। ओए, ओए रिया, रिया की कोई प्रॉब्लम है? रिया खतरे में है, उदास कहाँ छती कर? तू जा यहाँ से, चली जाना यहाँ से। माँ को पता चल ही जाता है, समझी तू? तो कितनी परेशानी तेरी आंखों से साफ दिख रहा है, समझी ना? की होया है दस ना मैनू। तेरे पीछे पीछे ही हूँ। हाँ, बस तुम्हारी इशारा कर देना, तो चाहे जो हो जाए, मैंने तेरे साथ आके खड़े हो जाना है, समझी तू? कमली है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.